हेलो फ्रेंड्स, मैं कलीम। ये गाड़ी है टाटा के टियागो। इसका प्रॉब्लम है, इसका पावर विंडो जो है दो काम कर रहे हैं। पिछले जो पीछे वाले हैं दोनों काम कर रहे हैं, तो आगे वाले कोई भी काम नहीं कर रहा है। चला, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है, दूसरा वाला चला। आगे वाला चला। ये जो दोनों शीशे हैं आगे वाले, फ्रंट वाले, ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका हमने फ्यूज वगैरह चेक किया, फ्यूज वगैरह सब सही है। तो इसका हमने स्विच खोला है, ये वाला स्विच, ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों काम कर रहे हैं पिछले, अगले काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम इसको चेक करते हैं हमारा ये मोटर सही है कि नहीं। इसके लिए हम एक बल्ब का करेंगे इस्तेमाल और इसको लॉक निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक बल्ब होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। एक जो वायर है इसकी बल्ब की, ये लगा देंगे अर्थ में। इग्निशन ऑन कर दिया हमने, और एक जो है इसमें चेक करेंगे मोटर के जो तार है, यहाँ से जाती है तार। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम करो इसको ऊपर कर। तब यहाँ से जब हम इसको सीरीज के साथ लगा रहे हैं तो ये काम कर रहा है। दूसरा करो, ऊपर करो। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। किया क्या हमने, ये जो दो वायर है, ये जो दो वायर दिख रही है आपको, ये है इस मोटर में जाती है इसका कनेक्शन। तो हमने इसको बल्ब के साथ अर्थ किया, अर्थ दिया तो अप डाउन कर रहा है। तो हम खोलेंगे इसके स्विच और खोल के इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो नया डालेंगे। स्विच को खोलने के लिए पहले ये जो लॉक है, चार लॉक निकाल के, ये हमारा निकल जाएगा पीछे से बैक कवर, निकाल इसको। तो हमारा जो बैक कवर ये निकल चुका है, इसमें लगे हैं दो स्क्रू। ये जो स्विच है ये नए मॉडल का है, इसमें इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो पुराने मॉडल आते हैं उसमें खोलने की जरूरत है। फिलहाल हम इसको खोल के और ये हमारा जो पत्ता है वो निकल जाएगा। खोल इसको। निकाल निकाल इसको। तो इसमें प्रॉब्लम ये निकला हमारा जो है, ये कीबोर्ड जो है इसका, ये कीपैड काम नहीं कर रहा है। इसमें पानी भर गया है और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे जंग पकड़ा है। इसको हम साफ करके फिलहाल और लगा देंगे धो के पेट्रोल से, ये हमारा काम करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हमने इसको पेट्रोल से धो दिया है और ये जो चीज़ है इसको हम पेट्रोल से नहीं धोएंगे, क्योंकि इसमें रबड़ है। पेट्रोल से धोने के बाद ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको आराम से जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है रस्ट, उसको हम पतले वाला जो रेग माला आता है उससे हम इसको साफ कर देंगे, ये जो कार्बन लगा है, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इसका जो यहाँ पर कार्बन लगा हुआ था, ये कार्बन को हमने साफ कर लिया पतला वाला रेग वाला मार से। ये पतला हमने यूज किया, इसमें ये साफ हो गया। और इसको हमने, ये जितने भी बटन थे इनको भी हमने साफ कर दिया है। तो अभी करते हैं इसकी फिटिंग और फिर चेक करके बताते हैं। तो हमने फाइनल इसका लगा दिया है स्विच, अब करते हैं चेक इसको। पहले ये काम नहीं कर रहे थे, अगले दोनों पीछे काम कर रहे थे। चल चला इसको। डाउन कर, दूसरे वाला। तो फिलहाल हमारा काम हो चुका है, हमने इसको रिपेयर कर दिया है और हमारा काम भी हो चुका। अब हम इसको फाइनल, जो हमारा जो पैड वगैरह है, जैसे जितने भी है, ये सारे फिटिंग कर देंगे। तो ठीक है, अगले मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक
नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।